मेरे चांदपुर विधानसभा में लगभग 350 करोड़ से अधिक के विकास के काम हुए हैं, जिसमें PWD के द्वारा कई बड़ी सड़कें बनी हैं और गंगा के पुल का निर्माण हुआ है, और इस क्षेत्र में कई छोटे पुल भी मेरे विधानसभा में बने हैं। विधायक निधि से भी हर गांव में विधायक निधि से सड़कें बनने का काम हुआ है, यात्री सेट भी मेरी विधानसभा में लगे हैं, और विधायक निधि से हाई मास्क लाइट भी मेरी विधानसभा में लगी है। माननीय विधायक जी ने बताया कि विकास 350 करोड़ रुपए का विकास यहाँ पर हुआ है, ये सब कुछ मात्र है, यहाँ धरातल पे कोई विकास नहीं है। जिस तरह से केंद्रीय सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री और मुखिया झूठ बोल रहे हैं, उसी तरह से माननीय विधायक झूठ बोल रही है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ चांदपुर में जो स्याऊ है वहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, प्रस्तावित है, और स्वास्थ्य की दृष्टि में जो हमारे गंभीर बीमारी से परेशान थे उनके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको पैसा दिलवाने का काम किया है, और प्रतिदिन हमारे यहाँ COVID-19 से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में टीकाकरण भी हो रहा है, और उनको मुफ्त में वैक्सीन तो मुफ्त में लग रही है और दवाई भी मुफ्त में उनको मिल रही है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज बहुत सुधार हुआ है। शिक्षा धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। दीन महिला स्वास्थ्य की वो बात कर रही है, आज तक एक लेडी हॉस्पिटल है उसमें आज तक एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई, ना होने के कारण आए दिन झोला छाप डॉक्टर के महिला मर रही है। क्षेत्र में एक बड़ा ITI कॉलेज मेरे ग्राम हैजरपुर में बनकर तैयार हो रहा है। कन्या इंटर कॉलेज रतनगढ़ में शिक्षा के लिए बन रहा है। और उसके साथ साथ शिक्षा की वो बात कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार पूरी तरह फेल है। ये देख लीजिएगा आप, जितना SC OBC और माइनॉरिटी के बच्चों के जो है स्कॉलरशिप आती थी, 80% स्कॉलरशिप बंद है। कौन से शिक्षा की बात कर रही है? और शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि जो नया काम हुआ हो। उससे पूर्व में जब हम थे, हमने IT कॉलेज का निर्माण कराया जो 800 करोड़ रुपए की लागत से पूरे उत्तर प्रदेश में चार है, आज भी चल रहा है, हमारा पत्थर लगा हुआ है उसमें। जब अध्यक्ष नगर पालिका होते थे 62 बीघा जमीन हमने डोनेट की थी। शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो क्षेत्र को फायदा पहुंचे या पहुंचता। जब बन जाएगा तब उनको सलाम और धन्यवाद कहलवा देंगे, कह देंगे। अभी फिलहाल कोई काम धरातल पे अभी ऐसा नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में भी, जिसको ये कहा जा सके कि भारतीय जनता पार्टी या